तो गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच जो हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और वो भी हम धोनी भाई के साथ में खेलेंगे। तो चलो मिलते हैं सीधा आपको टॉस पे। तो भाई लोग फाइनल मैच का टॉस टाइम अभी हो रहा है, धोनी भाई ने सिक्का उछाला है, श्रीलंका ने हेड्स चुना है, लेट्स सी टॉस कौन जीतता है। वो इंडिया ने टॉस जीत लिया है और हम तो पहली बॉलिंग ही करने वाले हैं गाइस। तो अभी श्रीलंका की बैटिंग चल रही है और श्रीलंका ने अभी तक काफ़ी अच्छा टोटल बना दिया है ऐसा लग रहा है। सो गाइस इंडिया की भी बैटिंग अभी चल रही है, पर धोनी भाई को काफ़ी जल्दी आना पड़ा क्योंकि 80 रन पे 4 विकेट चली गई है। तो भाई उस दिन की तरह आज भी क्या धोनी भाई हमें फाइनल मैच जीता पाएंगे वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। ओके तो धोनी भाई का पहला बॉल सामने है कुल से कारा, फर्स्ट बॉल पर तो सिंगल चुरा लिया है। ओके तो अभी भी हमें एक बाउंड्री की तलाश है, क्या इस ओवर पर मिल पाएगी। वेल यहाँ पे तो फ्लिक शॉट खेल दिया है और जी बिल्कुल यहाँ पे आसानी से फ्लिक शॉट खेल के पहली बाउंड्री लगा दी है धोनी भाई ने। भाई रिप्ले में भी देख लो काफ़ी बढ़िया शॉट था, थोड़ा सा अंदर आके फ्लिक शॉट खेल दिया भाई। अभी परेरा भाई ने धोनी भाई के सामने फील्ड खोल दी है, इस बार मैं लेट कट की ओर खेलूँगा, लेट कट खेल दी है। ओ भाई थोड़ा सा रिस्की शॉट था पर गेट में था इसलिए बच गए। तो वेल दो बैक टू बैक बाउंड्री लगा दी इस ओवर में धोनी भाई ने। गाइस धोनी भाई ने इस ओवर में काफ़ी बढ़िया बैटिंग की है, 11 बॉल पे 21 रन पे पहुंच चुके हैं। इस बार तो सिर्फ एक ही रन मिला। गाइस अगेन कुलसेकारा बॉलिंग करने के लिए आए हैं, कुलसेकारा भाई के सामने काफ़ी बढ़िया कवर ड्राइव और भाई कुलसेकारा भाई के सामने भी बाउंड्री लगा दी धोनी भाई ने। इस बार कवर ड्राइव शॉट खेला था भाई। परेरा भाई अपना एक और ओवर लेके आ चुके हैं, पर युवराज सिंह काफ़ी स्लो बैटिंग कर रहे हैं, 15 बॉल पे 5 रन ही बनाए। वेल धोनी भाई तो ऐसी बैटिंग ही करने वाले हैं, वो स्लो नहीं खेलने वाले हैं। कवर ड्राइव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रन आ चुके हैं, अभी 16 बॉल पे 30 रन पे पहुंच चुके हैं। लेट्स गो, इस ओवर में से एक बाउंड्री तो आ चुकी है, तो दूसरी क्या मिलेगी। वेल इस बार तो सिंगल ही मिला। ओके तो तीसरा परेरा एक बार फिर से आ चुके हैं, दिस टाइम स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट किया है और इस बार भी चौका मिल गया धोनी भाई को। तो इस ओवर का भी पहला बाउंड्री तो आ चुकी है स्ट्रेट ड्राइव के चलते, काफ़ी बढ़िया शॉट था भाई। फाइनल मैच में धोनी भाई ने अभी तक काफ़ी बढ़िया बैटिंग की है। अबे भाई भाई अभी तो युवराज सिंह आउट हो चुके हैं, 26 बॉल पे 7 रन बना के ही। गाइस अभी सुरेश रैना भाई हमारा साथ देने आए हैं और 4 बॉल पे 6 रन बना लिया है उसने। लेट्स सी तीसरा परेरा भाई एक और ओवर लेके आते हुए। वेल पहली बॉल पे तो सिंगल मिला। ओके तो धोनी भाई ने फाइनल मैच में अभी तक काफ़ी बढ़िया बैटिंग की है, लेट्स सी इस बॉल पे क्या सीन होता है। काफ़ी बढ़िया कट शॉट पर सिंगल ही पाया। तो गाइस फाइनली अभी स्पिनर आ चुके हैं मुथैया मुरली दलन, पहले बॉल पे स्वीप शॉट खेल के चौके के साथ स्वागत किया है बॉलिंग करने के लिए मुथैया मुरलीधरन को। गाइस पिछले वाला स्वीप शॉट तो काफ़ी बढ़िया था, 46 रन पे पहुंच चुके अभी धोनी भाई। मुरलीधरन की यह दूसरी बॉल, इस बार भी स्वीप शॉट, काफ़ी खराब फील्डिंग और क्या चौका मिलेगा। अगर चौका मिले तो धोनी भाई का 50 हो जाएगा सिर्फ 30 बॉल पर ही, और चौका मिल चुका है तो 30 बॉल्स पे 50 रन बना लिया है फाइनल मैच में धोनी भाई ने। गाइस धोनी भाई की रनिंग तो आपको पता है ना कैसी है, अगेन स्वीप शॉट, इस बार काफ़ी बढ़िया टाइमिंग हुई है, इस बार तो फील्डर रोक नहीं पाएगा। तो 4 बॉल पे 4 चौके आ चुके हैं इस ओवर में धोनी भाई के लिए। गाइस मुरलीधरन ने इस ओवर में काफ़ी खराब बॉलिंग की है, अगेन स्वीप शॉट खेला है भाई, ये पूरा ओवर स्वीप शॉट में ही गया है क्या। 5 बॉल पे 5 स्वीप शॉट खेली और 5 चौके मिल गए धोनी भाई को। धोनी भाई का भी कुछ अलग ही नशा है भाई, धोनी भाई इस बॉल पे स्वीप शॉट नहीं खेलने का। ओ स्वीप शॉट तो नहीं खेली पर ये कुछ अलग टाइप की शॉट थी, फिर भी चौका मिल गया तो इस ओवर में से 6 चौके आए। ओके भाई तो अभी कुल से करा के सामने धोनी भाई आ चुके हैं, बाउंसर बॉल आई है, काफ़ी बढ़िया पुल शॉट और 2 रन की मैं ट्राई करूँगा, अगर मिल जाए तो अच्छा है। वैसे रनिंग बिटवीन द विकेट तो धोनी भाई की काफ़ी अच्छी ही है और भाई रैना भाई और धोनी भाई के बीच 50 रन भी हो चुके हैं फाइनल मैच में, दोनों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है भाई। रैना और धोनी के अलावा किसी के बीच 50 रन की पार्टनरशिप तो नहीं हुई है, तो रैना और धोनी ने 37 बॉल पे 50 रन की पार्टनरशिप बना ली इस मैच में। फाइनली एक डेंजरस बॉलर आ चुका है हमारे सामने बॉलिंग करने के लिए, लसित मलिंगा। मलिंगा की पहली बॉल भाई, पहली बॉल ही यॉर्कर डाली और क्या ही तो फील्डिंग की है। मलिंगा ने पहले भी एक विकेट ले रखी है तो उसके सामने संभल के बैटिंग करनी होगी भाई, बाउंसर बॉल क्या ही तो तगड़ा डाला था। वैसे धोनी भाई को कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि वो तो अभी फुल सेट हो चुके हैं। ओ भाई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं भाई दिक्कत हो रही है लसित मलिंगा के सामने, धोनी भाई को
प्लीज रैना भाई ये ओवर पूरा खेल देना आप भाई, लेट्स गो। रैना भाई की बैटिंग भी देखते हैं कि वो अच्छे से बैटिंग कर पाते हैं कि नहीं। वेल रैना भाई ने फ्लिक शॉट खेला है, गैप में भी है और भाई मलिंगा के सामने चौका लगा दिया रैना भाई ने भी। अभी रैना भाई भी 21 रन पे पहुंच चुके हैं गाइस। एक और बार बॉलिंग करने के लिए आए हैं मुरलीधरन, पर सामने है धोनी भाई। पहली बॉल पे रिवर स्वीप शॉट और साथ ही सिंगल। गाइस मुरलीधरन ने इस मैच में काफ़ी खराब बॉलिंग की है, उसी बीच लास्ट बॉल पे चौका मिल गया धोनी भाई को। अबे यार अभी तो रैना भाई भी आउट हो चुके हैं 38 बॉल पे 30 रन बना के। तो न्यू बैट्समैन आए हैं हरभजन सिंह। गाइस अभी धोनी भाई को ही ज़्यादा स्ट्राइक रखनी होगी क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए। वेल रिवर स्वीप शॉट खेल के सूरज भाई का भी स्वागत किया है इस ओवर में चौके के साथ। भाई लोग आपने एक बात नोटिस की, धोनी भाई ने इस मैच में अभी भी कोई छक्का नहीं लगाया है, तो इस बॉल पे तो मैं ट्राई करने वाला हूँ। वेल टाइमिंग तो काफ़ी बढ़िया हुई है, ओवर द मिड ऑफ शॉट खेला था वैसे और भाई फर्स्ट सिक्स आ चुका है सूरज भाई के सामने ही। भाई लोग रिप्ले भी देख लो, काफ़ी बढ़िया शॉट था, टाइमिंग काफ़ी अच्छी हुई थी इसलिए छक्का मिल गया धोनी भाई को। ऐसे एक बार फिर से सूरज भाई आ चुके हैं, लेट्स सी पहली बॉल पे हम डबल ले पाते हैं कि नहीं। वैसे मैं डबल के लिए ही खेला हूँ ये शॉट, पर फील्डिंग काफ़ी अच्छी कर दी, सिंगल ही मिला। गाइस यहाँ पे हरभजन सिंह ने तो इस ओवर में एक चौका भी लगा दिया, तो अभी तक वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और आखिरी बॉल पे हाथ में से धोनी भाई ने सिंगल चुरा लिया, रन भागना तो कोई धोनी भाई से ही सीखे। भाई लोग दिलशान भाई एक बार फिर से आ चुके हैं, पहली बॉल पे मैं रिवर स्वीप खेलने वाला हूँ। वेल टाइमिंग तो थोड़ी सी खराब हुई है, फिर भी लगता है कि चौका मिल जाएगा इजीली। गाइस अभी कवर्स की ओर फील्डर नहीं है तो मैं वहां पे खेलने वाला हूँ अगर ऑफ साइड में बॉल मिले तो। भाई ऑफ साइड में ही बॉल मिली है, कवर ड्राइव खेली है धोनी भाई ने। और भाई एक बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की, ये चौके के साथ धोनी भाई के 100 रन भी हो चुके हैं 53 बॉल पे, 192 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। जैसे 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच में तो 93 रन ही हो पाए थे, पर यहाँ पे 100 रन बना लिया है। अभी भी इंडिया को चाहिए 76 बॉल पे 73 रन, पर धोनी भाई ऐसी बैटिंग करते रहे तो भाई 73 रन कोई दूर नहीं है। दोस्तों धोनी भाई ने तो फाइनल मैच में ओपी बैटिंग की है, कैप्टन्स नॉक खेली है अभी तक। इस बार भी कवर्स के कोई फील्डर नहीं था इसीलिए लॉफ्टेड शॉट खेला और चौका मिल गया चौथी बॉल पे भी। तो इस ओवर में से अभी तक काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री आ चुकी है। भाई धोनी भाई ने इस ओवर में 4 बॉल पे 4 चौके तो लगा दिए हैं। पांचवी बॉल दिलशान भाई की रिवर स्वीप खेल दिया, पर 5 में 5 नहीं कर पाए। मुरलीधरन भाई के सामने है धोनी भाई, इस बार तो सिंगल ही मिल पाएगा। भाई हरभजन सिंह आपसे ये बॉल पे सिंगल की उम्मीद है, प्लीज़ सिंगल दे दो। वेल ओ भाई बच गए, यहाँ पे काफ़ी रिस्की शॉट खेला था हरभजन भाई ने पर बच गए। प्लीज़ ये आखिरी बॉल एक डॉट बॉल खेल दो, तो मैं अभी आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं लेना चाहता हूँ प्लीज़ भाई। तो इस बार भी बच गए हरभजन सिंह। मुरलीधरन ने हरभजन सिंह को काफ़ी परेशान किया है। दिलशान भाई एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं, सामने है धोनी। वेल तो भाई पहली बॉल पे तो छक्का लगा दिया है धोनी भाई ने, अभी वो 121 रन पे पहुंच चुके हैं। रिप्ले भी देख लो, ओवर द कवर शॉट खेला था इस बार। ओके तो अभी मैंने दिलशान भाई के सामने हरभजन सिंह को स्ट्राइक दिया, लेट्स सी दिलशान भाई के सामने कैसी बैटिंग करते हैं। वेल इस बॉल पे तो कोई रन नहीं मिलेगा। अबे यार अभी हरभजन सिंह भी आउट हो चुके हैं 13 रन बना के, उसको मुरलीधरन ने आउट किया। तो न्यू बैट्समैन आए हैं श्रीशांत, श्रीशांत भी थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। भाई अभी तो मैं श्रीशांत भाई को बहुत ही कम स्ट्राइक देने वाला हूँ। वेल फुल टॉस बॉल मिली, काफ़ी पावरफुल शॉट और चौका भी मिल गया धोनी भाई को यहाँ पे पहले बॉल पे ही। ओके तो ये शॉट का रिप्ले भी देख लो, फुल टॉस बॉल पे क्या ही तो तगड़ा शॉट खेला है धोनी भाई ने। वेल भाई अभी धोनी भाई के सामने पूरी फील्डिंग ऑफ साइड में है, तो अभी मैं ऑफ साइड में सिंगल डबल खेल सकता हूँ। वेल धोनी भाई ने स्ट्रेट में लॉफ्टेड शॉट खेली है फील्डर नीचे, पर वो फील्डर दर्शक ही बना जाएगा क्योंकि 2 बॉल पे 10 रन बना लिए हैं धोनी भाई ने इस ओवर पे। वेल भाई इस शॉट का भी आप रिप्ले देख लो, काफ़ी बढ़िया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट, काफ़ी पावरफुल शॉट भी था। गाइस अभी मैं इस बॉल पे सिंगल लेने वाला हूँ क्योंकि इस ओवर में काफ़ी अच्छे रन आ चुके हैं। वेल सिंगल के लिए मैंने ये शॉट खेला, पर चौका मिल गया भाई। धोनी भाई तो अभी इतने सेट हो चुके हैं कि सिंगल के लिए खेलते हो और फिर भी चौका मिल जाता है। भाई श्रीशांत भाई प्लीज़ ये आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल आप निकाल दो फिर बाद में हम संभाल लेंगे प्लीज़। वेल आउटसाइड तो लगी पर रन नहीं भागने वाला हूँ मैं अभी। मैंने श्रीशांत भाई को स्ट्राइक दिए और वो तो चलते बने 11 बॉल पे 5 रन बना के ही। तो गाइज अभी न्यू बैट्समैन मुनाफ पटेल आ चुके हैं, पर अभी मैं उसको स्ट्राइक नहीं देना चाहता हूँ, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही स्ट्राइक रखूँगा। वेल काफ़ी बढ़िया पुल शॉट,
छक्का मिल गया तिसेरा परेरा की पहली बॉल पे ही। गाइज आपको ये रिप्ले देखना तो बनता ही है, काफी बढ़िया पुल शॉट था और काफी पावरफुल पुल शॉट था धोनी भाई का। भाई धोनी भाई इस मैच में वन मैन आर्मी की तरह बैटिंग कर रहे हैं। गाइज अभी भी हमें 20 रन चाहिए। वेल कट शॉट खेलिए, नहीं सिंगल लेना नहीं चाहता हूँ मैं अभी। अरे कहना क्या चाहते हो? वेल धोनी भाई पहली बॉल पे तो छक्का आ चुका है और छक्के के साथ वो 146 रन पे भी पहुंच चुके हैं। वेल यहाँ पे तो उसको चौका तो उसका नहीं मिलेगा पर भाई का चौका मिल गया। ओए 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 भाई 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 सिंगल लेने वाला था। प्लीज भाई सिंगल मिल जाए तो अच्छा है। वेल काफी इजीली तो नहीं, काफी मुश्किल से सिंगल लिया। गाइज अभी लसित मलिंगा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली बॉल फ्लिक शॉट खेलिए, डबल आना चाहिए प्लीज भाई, प्लीज डबल आ जाए तो अच्छा है। वेल काफी अच्छी रनिंग यहाँ पे धोनी भाई की, आसानी से डबल आ गए और धोनी भाई को भी 150 में एक रन ही चाहिए। भाई फाइनल मैच में धोनी भाई ने क्या ही तो बैटिंग की है। इस बार लसित मलिंगा की यॉर्कर बॉली आएगी मुझे पता था, इसलिए मैंने स्वीप शॉट खेला। ओ भाई गलती से मैंने सिंगल ले लिया यहाँ पे। क्या बोला तूने? पर यहाँ पे तो धोनी भाई ने 150 रन भी बन चुके हैं, 20 चौके लगाए और 4 छक्के। भाई क्या ही तो बैटिंग की है धोनी भाई ने। गाइस तो पटेल भाई ने तो अपना काम कर लिया है, सिंगल लेके धोनी भाई को स्ट्राइक दिए। तो ये आखिरी बॉल है, प्लीज सिंगल मिल जाए तो अच्छा है। अबे भाई यार सिंगल में नहीं ले पाता यहाँ पे। अबे यार मैं सिंगल लेना चाहिए था यहाँ पे, पर मलिंगा ने काफी अच्छी फील्डिंग कर दी। भाई पहली बॉल पे तो डबल आया था तो दूसरी बॉल, ओ भाई यार डबल नहीं लेना चाहिए था, मुझे लगता है कि ये आउट हो जाएंगे। भाई मुना पटेल इस बॉल पे सिंगल ले लेना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आउट होते होते बचे भाई, भाई मुना पटेल ये बॉल डॉट, अबे डॉट बॉल खेलनी थी यहाँ पे। मुना पटेल आउट हो चुके हैं, अभी तो आखिरी विकेट ही बची है और भाई अभी धोनी भाई भी क्या करे इसमें। भाई भाई आखिरी बैट्समैन अभी जहीर खान आ चुके हैं, तो जहीर खान प्लीज थोड़ा साथ दे देना। गाइस वर्ल्ड कप का फाइनल है और वानखेड़े का ग्राउंड है तो धोनी भाई से तो हमें फिनिशिंग शॉट चाहिए ही। वेल यहाँ पे हिट तो किया है स्ट्रेट में, फील्डर भी नीचे है, फिर भी चौका मिल चुका है। अभी भी एक रन चाहिए तो अभी भी मैं फिनिशिंग शॉट के साथ खत्म कर सकता हूँ। गाइस अभी भी एक रन चाहिए, क्या फिनिशिंग शॉट, नहीं हो पाएगा, नहीं भागना था भाई यार, नहीं भागना था, ये फिनिशिंग शॉट लगाना था धोनी भाई से। और ये सिंगल के साथ धोनी भाई ने हमारे को इंडिया को फाइनल जीता दिया है। गाइस रियल में तो जिताया ही था पर यहाँ गेम में भी जीता दिया है धोनी भाई ने। गेम में तो वन मैन आर्मी की तरह धोनी भाई ने बैटिंग की है। फाइनल मैच का ये स्कोर कार्ड है, काफ़ी बढ़िया मैच रहा और ऑब्वियसली एमएस धोनी ही प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं इस मैच में। और इंडिया 2011 की टीम एक विकेट से ही जीती है ये मैच। भाई काफ़ी बढ़िया मैच रहा था ये। तो वेल मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।